हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दिस इज़ रमीज, फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। और आज एक फिर से एक नई टॉपिक के साथ हम आए हैं एमसीक्यूज लेके, दैट इज मौर्याज एंड पोस्ट मौर्याज। पंजाब पीसीएस के एग्जामिनेशन में मौर्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पोस्ट मौर्याज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और उससे कोशिश करेंगे कि आपको कुछ कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, ठीक है। स्टार्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जितने भी लिंक्स हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज की लिंक है, हमारी कोर्स की लिंक है, वो सारे डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारी एफपीसीएस जो कोर्स है, जो फ्री वाली एमसीक्यूज की कोर्स है जो डेली चलती हैं, इसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को फॉलो करें, विजिट करें, हमारे साइट पर पहुँच जाएँ। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, कोर्स में एनरोल करना है तो वहाँ पर कर सकते हैं। अगर किसी ने माइक्रो कोर्सेज खरीदनी है कि इंडिविजुअल टॉपिक मुझे चाहिए या इंडिविजुअल सब्जेक्ट मुझे चाहिए, कि हाँ मुझे सिर्फ पॉलिटी चाहिए या फिर मुझे ज्योग्राफी चाहिए या सिर्फ मुझे पंजाब की जीके चाहिए, ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर कुछ कोर्सेज आपको चाहिए माइक्रो कोर्सेज, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे आप abhipedia.abhimanyu जो हमारी लिंक है abhipedia.abhimanyu, उस पर abhipedia.abhimanyu टाइप करें URL पे, आप हमारे पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। पोर्टल पे पहुंचने के बाद साइड पे देखिएगा, वहाँ पे चूज एग्जाम आता है, ऑप्शन चूज एग्जाम बटन है वहाँ पे, उसे आप ड्रॉप डाउन करिएगा तो हमारी सारी सब जोन्स आ जाएंगी वहाँ पे, उसे क्लिक करते ही जितने सारे एग्जामिनेशन हमारी चलती है। तो स्टेट पीसीएस में विजिट करिएगा, वहाँ पे पंजाब पीसीएस आ जाएंगे 2020, पंजाब पीसीएस में 2020 आप विजिट करें। उसके बाद विजिट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे फुल वीडियो कोर्सेज और भी जो कोर्सेज हैं और प्लस माइक्रो कोर्सेज, वो सारे वहाँ पे हैं। तो माइक्रो कोर्सेज वहाँ विजिट करके आप अगर इंडिविजुअल टॉपिक या इंडिविजुअल सब्जेक्ट को परचेज करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं उस कोर्स में, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बनाएं ताकि इस सेशन में एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट बन पाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन मौर्याज एंड पोस्ट मौर्याज के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, consider the following reasons for the rise of Mauryan Empire in India. The invasion of Scythians had weakened the erstwhile Nanda kingdom in the eastern India. In northwest India, the invasion of Alexander destroyed the petty states, making the expansion of Mauryan Empire easy. Which of the reasons given above is or are correct? One only, two only, both one and two, ya fir neither one nor two. ठीक है, दो statements हैं, ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़िए कि ये स्टेटमेंट से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखिए, जब भी आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या जैसे कि ये आज की टॉपिक है मौर्याज एंड पोस्ट मौर्याज, तो मौर्याज आप जब भी पढ़ रहे हो तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मौर्याज में आपने पढ़नी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जो है जो करंट से भी रिलेटेड है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे अभी। और मौर्याज से आपने पढ़ना क्या है कि मगध एक कैसे इतना बड़ा पावरफुल किंगडम बना। मौर्याज स्पेशली जब आप पढ़ रहे हो तो अशोक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी की सबसे बड़ी खासियत यह थी और सबसे बड़ी अचीवमेंट यह थी कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बहुत ही कमाल की बनाई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द इंडियन सॉयल, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। पहला ऐसा डायनेस्टी, ऐसा किंगडम जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके सारे, ठीक है, उसके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ पढ़ना है अच्छे से। और फिर कौन से टर्म्स, कौन से पोस्ट की कौन सी टर्म्स हैं, क्या नाम है उनका, मंत्री परिषद है तो क्या है, महामत्ताज किसे बोलते थे, ठीक है, उसके धर्म महामत्ताज किसे बोलते थे, अशोक ने जो बनाए थे अशोकास पॉलिसी ऑफ धमा के अंदर, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कलिंग वॉर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर कलिंग वॉर द पॉलिसी ऑफ अशोक वॉज टोटली चेंज्ड, ही स्टार्टेड टू फॉलो अ पैसिफिस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अशोक को ग्रेट क्यों बोला जाता है, व्हाई ही इज रेनाउंड एज अ ग्रेट रूलर, उनके नाम के आगे ग्रेट क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ हिज सेक्युलर नेचर और उसकी जो धम्मा पॉलिसी थी, तो धम्मा पॉलिसी पढ़ना बहुत जरूरी है अशोक का, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, एडिक्ट्स ऑफ अशोक, जिससे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जिससे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट हुई है, दैट दैट दैट
टर्न आउट टू बिकम कि उनके वजह से उन रिसोर्सेज या सोर्सेज के वजह से हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की गई है मौर्यन एम्पायर की. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये चीजें आपने पढ़नी है मौर्यन एम्पायर के बारे में. जब आप पढ़ रहे हो हम कुछ एमसीक्यूज यहां पे डिस्कस करेंगे. तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. आंसर इज बी. आंसर इज बी. दैट इज टू ओनली. मतलब ये इंफॉर्मेशन सही है. ये इंफॉर्मेशन क्या है? द इन्वेजन ऑफ सिथियंस हैड वीकेंड द अर्स्टवाइल नंदा किंगडम इन द ईस्टर्न इंडिया. देखिए स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाती है क्योंकि सिथियंस शाकाज को बोला जाता था. शाकाज, और इस टाइम पे शाकाज इंडिया पे थे ही नहीं. मौर्यन से पहले आए ही नहीं थे, वो तो पोस्ट मौर्यन में आए थे. तो इंफॉर्मेशन यहीं पे गलत हो जाती है. ठीक है, इन्वेजन ऑफ ग्रीक्स, इसके वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जो ग्रीक ने इन्वेस्ट किया था, अलेक्जेंडर ने जब इन्वेट किया था, तो वहां पे जो छोटे छोटे प्रिंसिपालिटीज थे या छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनको अलेक्जेंडर ने तोड़ दिया, कमजोर कर दिया, उसे उन्हें हरा के, उसे कैप्चर कर लिया, उन्हें हराया, उसे कमजोर कर दिया. तो इसके कारण अशोक को फायदा हुआ बाद में, या मौर्यन एम्पायर को फायदा हुआ बाद में कि वो आसानी से उन्हें कैप्चर कर पाए बाद में. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर डिस्ट्रॉयड द पेटी स्टेट्स मेकिंग द एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर इजी. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टू ओनली. चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस, ध्यान पर पढ़िएगा, स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस इज रान्यो अशोक, किंग अशोक, मतलब इसका मतलब है किंग अशोक, मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक. कौन सा ऐसा स्कल्पचर है जिसमें अशोक की इमेज पोर्ट्रेट बनी हुई है और उस पर लिखा हुआ भी नीचे कि किंग अशोक, ही इज किंग अशोक. कहां पे मिलती है वो, कौन सी है इन चारों में से? दिस इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स रिलेटेड है ये. रिसेंटली 2019 के बाद ये कानून जजमेंट आया, उसके बाद 2020 के अंदर पे इस जगह को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया गया. पहले इस पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था. तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में. आंसर इज ए, दैट इज कंगनाहली. दिस इज अ प्लेस इन कर्नाटका, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट. एक स्तूप है, बुद्धिस्ट स्तूप. तो स्तूप के दीवार पे एक स्कल्पचर बना हुआ है. देयर इज अ स्कल्पचर जहां पे अशोक की पोर्ट्रेट बनी हुई है, पत्थरों की पोर्ट्रेट बनी हुई है, और उसके साथ उनकी जो भी क्वींस हैं वो उनके साथ अकोमोडेट, उसके साथ वहां पे उस इमेज में है. ठीक है, एक रॉयल कोर्ट सीन है, उसके ऊपर ये पोर्ट्रेट बनाई गई है. अरे दिस इज द ओनली इमेज या पोर्ट्रेट ऑफ अशोक ओनली. तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, ये कहां पे है? कर्नाटका के अंदर. रिसेंटली 2019-20 के अंदर में कर्नाटका गवर्नमेंट इसे उतना ध्यान नहीं दे रही थी इस साइट पे, लेकिन जब यहां से फाइंडिंग्स मिलने स्टार्ट हुई और अशोक की ये जो पोर्ट्रेट मिली, जब ये फाइंडिंग्स होने लगी, तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही ये जो साइट है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हैंड ओवर किया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस टर्न आउट टू बिकम ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हिस्ट्री के अंदर से. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द 13th रॉक एडिक्ट प्रोवाइड्स द क्लियर एविडेंस ऑफ कलिंग वॉर.
Kalinga is the only major war Ashok fought after his accession to the throne. ध्यान से पढ़िएगा, only major, यहां पे फोकस देना है आपने, ठीक है? Try to read between the lines. Which of the statement is correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. 13th rock edict, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अशोक के जो भी edicts थे, pillar inscriptions थे, जो capitals वो बनवाते थे, या rock edict या pillar edict, इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कलिंग वॉर के बारे में 13th रॉक एडिक्ट पे हैं, तो ये आपने जानना है, स्पेशली फॉर द स्टेट एग्जामिनेशन वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है? देखिए, अशोक का एक मीडियम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये था कि ही यूज टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सब्जेक्ट्स, लोगों के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते थे. कैसे? वो कैपिटल्स बनवाते थे, पिलर्स बनवाते थे, और उस पर उनकी जो ऑर्डर्स होते थे वो लिखवा देते थे, और हर एक जगह पे, चौराहे पे, रास्ते पे, फिर आपको जाके मार्केट पे, कहीं पे भी, हाईवेज पे लगवाते थे, और पूरे हिंदुस्तान में लगवाया, इनफैक्ट तमिलनाडु तक लगवाया. अशोक के इंस्क्रिप्शन से भी हमें चोला, चेरास, पंड्या जो संगम एज में जो किंगडम्स थी उनके बारे में भी पता चलता है, ठीक है? तो अशोक ऑल ओवर इंडिया उसके इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी पाई जाती हैं. तो इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक या पिलर एडिक्स या फिर कैपिटल्स ऑफ अशोक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है. आंसर इज सी, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. द 13th रॉक एडिक्ट प्रोवाइड्स क्लियर एविडेंस ऑफ कलिंग वॉर. यस, कलिंग इज द ओनली मेजर वॉर अशोक फॉट आफ्टर एक्सेशन टू द थ्रोन. मतलब ऐसा नहीं है, ओनली मेजर वॉर, मेजर वॉर मतलब बड़ी लड़ाई, किंग बनने के बाद, ठीक है, किंग बनने के बाद अशोक ने जो बोलते हैं कि बड़ी लड़ाई, वेर अ ग्रेट मैसेकर वॉज मेट या ग्रेट मैसेकर वॉज डन टू द किंगडम और टू द पीपल ऑफ द एडवर्सरी, वो थी कलिंग वॉर, ठीक है? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. और कलिंग वॉर के बाद ही अशोक का चेंज हिज पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, या हिज पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है? ही स्टार्टेड टू फॉलो अ पैसिफिस्ट पॉलिसी. ऐसा नहीं था कि कलिंग वॉर के बाद, ऐसा बोला जाता है कि कलिंग वॉर के बाद अशोक बिल्कुल बुद्धा ही बन गए थे, नहीं, ऐसा भी नहीं था. वो पहले ही यूज टू कम्युनिकेट, डिप्लोमेसी यूज करते थे, ठीक है, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए, कि पहले बातचीत की जाए, बातचीत से काम सुलझ जाए. तो लास्ट रिसॉर्ट, जब लास्ट रिसॉर्ट में कुछ नहीं होता था तो फिर जाके फिर वो लड़ाई के लिए जाते थे, लेकिन पहले लड़ाई को सपोर्ट नहीं करते थे. और जैसे कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे तो नॉन वायलेंस की पॉलिसी वो प्रीच करना स्टार्ट कर दिए थे. और अशोकास पॉलिसी ऑफ धमा जो है उसे भी अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया. और धमा पॉलिसी के अंदर यही है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, किस तरह से अपने राज्य को चलाना है, अपने साम्राज्य को चलाना है, हाउ टू रूल, कैसे रूल करना है. उसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉलिसीज, पीसफुल पॉलिसीज डाले गए, जैसे कि सेक्युलरिज्म, नॉन वायलेंस, ठीक है, इक्वालिटी, ये सारी चीजें उस धमा पॉलिसी में लाई गई. हर रिलीजन को एक, हर रिलीजन में बाइफरकेट नहीं करना. ऐसा नहीं कि वो बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे थे तो दूसरे रिलीजन को वो गलत बोलते थे, ऐसा भी नहीं था. इनफैक्ट वो ये भी बोलते थे कि हिंदुइज्म के अंदर में, कि हाँ, अगर आप जो हिंदू हैं वो अपने प्रीस्ट को या पंडित को या ब्राह्मण्स को, आप उन्हें रेस्पेक्ट करें, वो इंटेलेक्चुअल्स हैं तो उन्हें रेस्पेक्ट करें, ठीक है? तो सेक्युलर पॉलिसी, धमा पॉलिसी के अंदर. तो अशोक की जो धमा पॉलिसी है वो आपने पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस, ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर 4. हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोक. इनमें से अशोक की जो एडिक्ट्स थी उसे डेसिफर किसने किया, मतलब कि उसे किसने डेसिफर, इन द सेंस कि किसने बताया कि हाँ, ये अशोक की
इंस्क्रिप्शंस हैं, उसके एडिक्ट है, और इस एडिक्ट के थ्रू अशोक ये ऑर्डर कन्वे करना चाहते थे, ये मैसेज देना चाहते थे, उन वो जो लिखी चीजें लिखी है उसमें, उसे डेसिफर किसने किया था कि हाँ अशोक ये बता रहे हैं इस एडिक्ट से, इन चारों में से वो कौन थे, स्टेट के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज बी दैट इज जेम्स प्रिंसप। ठीक है, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट भी थे ये, और इन्होंने ही अशोक के जितने एडिक्ट्स हैं इसे डिसिफर किया था। विलियम जोन्स तो बहुत विलियम जोन्स तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1872 के अंदर बना था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने स्टार्ट की थी फॉर द कल्चरल रिसर्च एंड स्टडी ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, मैक्स मिलर भी वही थे, विलियम जोन्स, जॉर्ज बेलर, ये सारे रिसर्च वर्क में ही इन्वॉल्व थे, लेकिन जो अशोक की जो एडिक्स डेसिफर किया था वो जेम्स प्रिंसप ने किया था। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अशोक्स रूल। रिलीजियस फ्रीडम वॉज ग्रांटेड टू द सब्जेक्ट्स ऑफ द एम्पायर। Slavery was abolished during Ashoka's reign as a mark of compassion in Ashoka's Dhamma. The Ashokan edicts and inscriptions were only in Prakrit language. Select the correct answer using the codes given below. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3, 1 only. ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तीन स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे MCQ से आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, एंड आई होप कि जो हमारी सीरीज चल रही है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। ठीक है, तो यू पीपल जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस, हमारे साथ जुड़े रहें, और हम आपको इस तरह से डेली MCQs की एक एक वीडियोस हमारी चलती रहेंगी, और आप उसे देखें और अपनी जो भी जितना फायदा उठा सकते हैं वहां से उठाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज डी आंसर इज डी दैट इज वन ओनली। रिलीजियस फ्रीडम वॉज ग्रांटेड टू द सब्जेक्ट्स ऑफ एम्पायर, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि सेक्युलर पॉलिसी फॉलो किया था उन्होंने। यस, रिलीजियस फ्रीडम हर किसी को था कि जो जिसे जो धर्म मानना है वो माने। ठीक है, स्लेवरी वॉज अबॉलिस्ड ड्यूरिंग अशोकास रेन एज अ मार्क ऑफ कंपैशन इन अशोकास धम्मा। नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्लेवरी इंडिया पे एंशियंट टाइम पे और मेडिवल टाइम पे कभी खत्म हुई ही नहीं है। स्लेवरी तो एक तरह से ऑफिशियल हो गया था, लीगल हो गया था। ठीक है, स्लेवरी अबॉलिश नहीं हुआ था, स्लेवरी अबॉलिश हुआ है ब्रिटिश के टाइम पे, वो फिर जाके आपका 1850s के टाइम पे, 1850s ब्रिटिश के टाइम पे जाके वो स्लेवरी एक्ट पास हुआ था बाद में, आई थिंक डलोजी के टाइम पे। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो टू को अगर हम एलिमिनेट करें तो ए और बी एलिमिनेट हो जाता है, वन एंड थ्री रह जाता है। थ्री अब देखते हैं, अशोकन एडिक्स एंड इंस्क्रिप्शंस वर ओनली इन प्राकृत लैंग्वेज। नो, ओनली, नॉट ओनली इन प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज में भी था बट सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज में नहीं था। अशोक के इंस्क्रिप्शन जो भी इंडिया पे पाई जाती है, ईस्टर्न इंडिया पे या फिर सदर्न इंडिया पे, वो सारी होती थी प्राकृत लैंग्वेज में, जिसे हम अर्ध मगधी भी बोलते हैं, मगधी प्राकृत। ठीक है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट के एरिया पे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो भी NWFP है, वहां पे जो भी इंस्क्रिप्शन पाई जाती थी वो पाई जाती थी खरोस्टी और अरामाइक, ये दो लैंग्वेजेस में, खरोस्टी पर्शियन, अरामाइक ग्रीक। ठीक है, ये दोनों स्क्रिप्ट पे पाई जाती थी नॉर्थ वेस्ट पे, तीन लैंग्वेजेस में पाई जाती थी, ध्यान पे रखिएगा। नॉर्थ वेस्ट वाली जो रीजन है वहां पे जो पाई जाती थी वो खरस्टी और अरामाइक, और इंडिया के अंदर ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, यहां पे जो पाई जाती थी वो सारी होती थी प्राकृत लैंग्वेज पे।
ठीक है, तो यार दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो थ्री को अगर एलिमिनेट करें तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, बच जाता है वन, दैट इज डी ओनली। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कुशांस पोस्ट मौर्यास के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, कि मौर्यास के बाद पोस्ट मौर्यास कौन आए थे, तो पोस्ट मौर्यास के टाइम पर कुशांस थे, तो ये पोस्ट मौर्यास के ऊपर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कुशांस। कुशांस वर नॉमेडिक पीपल ऑरिजिनली फ्रॉम द स्टेपीज ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया। कुशान रूलर्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन अ सिग्निफिकेंट स्केल। फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन अ सिग्निफिकेंट स्केल, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन आंसर। ठीक है, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स इन कैवलरी एंड टेक्निक्स ऑफ वॉर। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। कुशांस क्या वो सेंट्रल एशिया स्टेपी रीजन से आए थे? कंफ्यूज नहीं होना सेकेंड स्टेटमेंट में, ध्यान से पढ़िए उसे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कुशान रूलर्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन सिग्निफिकेंट स्केल। ये स्टेटमेंट ये नहीं कह रहा कि कुशांस वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। पूरा स्टेटमेंट को पढ़िएगा एंड देन ट्राई टू एंटिसिपेट एंड देन आंसर। ठीक है, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स इन कैवलरी एंड टेक्निक्स ऑफ वॉर। थ्री स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट है पूछा गया। क्या है? विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद आंसर कीजिए। 30 सेकेंड्स टू गो। मौर्यास के बाद पोस्ट मौर्यास। ठीक है, एक क्रोनोलॉजी है, आप इस क्रोनोलॉजी को याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर अर्ली वैदिक एज, फिर लेटर वैदिक एज, फिर मौर्याज। ठीक है, उसके बाद फिर पोस्ट मौर्याज, उसके बाद फिर गुप्ताज, फिर पोस्ट गुप्ताज, फिर अरब्स, फिर टर्क्स, मतलब अरब्स और टर्क्स के मतलब यहां पे हो गया दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर मुगल्स, उसके बाद फिर यूरोपियंस। इस क्रोनोलॉजी को याद करने की कोशिश करिए, किस किस टाइम पीरियड पे कौन सी पोस्ट मौर्यास में कौन से डायनेस्टीज रूल कर रहे थे, गुप्ताज के टाइम पे और कौन से डायनेस्टीज थे। ठीक है, फिर पोस्ट गुप्ताज में कौन से डायनेस्टीज इंडिया पे रूल कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया पे कौन कर रहे थे, साउथ इंडिया पे कौन कर रहे थे। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल्स, फिर यूरोपियंस आए कि पहले पोर्चुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डैनिश, फिर फ्रेंच। ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद फिर हम मॉडर्न इंडिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी अपने दिमाग में बिठाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज डी, आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। कुशांस वेर नॉमेडिक पीपल, यस बिल्कुल नॉमेड्स थे वो, एक जगह सेटल नहीं होते थे, दे वर ऑन अ कॉन्स्टेंट मूव। ओरिजिनली फ्रॉम द स्टेपी ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया, यस सेंट्रल एशिया से वो थे। ठीक है, एक माउंटेनस रीजन है वहां पे, वहां की जो टोपोग्राफी है माउंटेनस है, स्टेपी रीजन से भी आते थे वो। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुशान रूलर्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन सिग्निफिकेंट स्केल। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कुशांस पहले ऐसे थे जिन्होंने बल्क अमाउंट में या ज्यादा लार्ज स्केल, मतलब ज्यादा लार्ज इन नंबर्स, क्वांटिटी की बात हो रही है, कि पहले ऐसे वो डायनेस्टी थी जो लार्ज नंबर पे गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
बिकॉज कुशांत के टाइम पे इकोनॉमी वॉज रियली फ्लरिशिंग, ट्रेड वॉज लुक्रेटिव एंड इकोनॉमी वॉज रियली फ्लरिशिंग. दे हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इनटू द इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम. दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स इन कैवलरी एंड टेक्निक्स ऑफ वॉर. यस, बहुत अच्छे घुड़सवार थे वो, ठीक है, घुड़सवार बहुत अच्छे थे. जब बिकॉज वो उनकी जहां से वो आते थे सेंट्रल एशिया से, वहां की टोपोग्राफी ऐसी थी कि वहां पे हॉर्सेस वर यूज फॉर मोबिलाइजेशन. तो हॉर्सेस वर यूज फॉर मोबिलाइजेशन, तो वो कैवलरी उनकी बहुत कमाल की थी, और साथ में जो उनकी कैवलरी थी उनकी जो यूनिफॉर्म्स होती थी वो भी बहुत अच्छी थी. लंबे लंबे दिन तक उन्हें सवार करना है तो इस तरह से उन्होंने, जैसा कि रेन्स एंड सैडल्स यूज इन दी हॉर्सेस फॉर देयर मोबिलाइजेशन, वो यहां पे इंट्रोड्यूस इंडिया पे उन लोगों ने किया, ठीक है. उसके बाद हेलमेट्स, बूट्स, लॉन्ग कोट्स जो कैवलरी उनकी कैवलरी मैन उनके पहनते थे, वो सारे इंडिया पे इन लोगों ने ही इंट्रोड्यूस किया है. तो हियर द करेक्ट स्टेटमेंट इज डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया द डेजिग्नेशन ऑफ सत्राप और शत्राप वर यूज्ड फॉर, ये शत्राप या शत्राप ये टर्म है किस लिए यूज होता था एंशिएंट इंडिया पे? प्रोविंशियल रूलर्स, विलेज हेडमैन, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स या चीफ्स ऑफ क्राफ्ट गिल्ड्स. गिल्ड्स मतलब ग्रुप, ठीक है. किस इन चारों में से किसके लिए यह टर्म यूज होता था? सत्राप किसे बोला जाता था, ठीक है. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन. सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. जैसे कि हमारी जो इनिशिएटिव है, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आपके फीडबैक में हमें कुछ आपकी अप्रिसिएशन मिले, और ये हर कोई चाहता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, है ना. तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें सेशन को जितना ज्यादा हो सके. कोई इश्यू है तो चैट पर कमेंट करें, हम आपको विल रीच यू आफ्टर सीइंग योर कमेंट्स, या वीडियो के नीचे कमेंट करें, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. नो इश्यू विद दैट, सब कुछ आपके पास प्रोवाइडेड है. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. A is the answer. A, that is provincial rulers. देखिए ये जो सत्राप सिस्टम है, ये सत्राप सबसे पहले ये लेके कौन आया? इसे लेके आया पर्शियंस 526 BC के अंदर इंडिया पे पर्शियंस आर द फर्स्ट वन टू इन्वेड. The first invader in India is the Persians, and that is King Darius. King Darius, ठीक है. उसके बाद तो जो Persians थे उन्होंने establish किया सत्राप system. यह सत्राप Persians province को बोलते थे, ठीक है. अपनी एक kingdom है, उस kingdom को provinces में बांटना, तो उस जो प्रोविंसेस है उसे सत्राप बोला जाता था. तो इंट्रोड्यूस पर्शियंस ने किया था, और बाद पे शाकास जो आए वो भी ये फॉलो करते थे. इंडो ग्रीक्स, शाकास, कुशांस, इन लोगों ने भी ये चीज फॉलो किया था. तो ये सत्राप जो है शाकास प्रोविंशियल रूलर्स को बोलते थे, ठीक है. रिमेंबर दिस. आपने एक मूवी देखी होगी 300, बहुत ही फेमस मूवी है, जहां पे जक्सीस की बात होती है. जक्सीस बहुत अच्छी मूवी है, बहुत कमाल की मूवी है, बहुत इंस्पिरेशन मोटिवेशनल मूवी है 300. तो वहां पे जक्सीस को दिखाया गया है, ठीक है. दो पार्ट में है ये मूवी. फर्स्ट पार्ट में जक्सीस को दिखाया गया है, सेकेंड पार्ट में डेरियस को भी दिखाया गया है. तो जक्सीस की जो 300 की जो जक्सीस की मूवी है, ये उस टाइम पीरियड की मूवी है, ठीक है. और इन लोगों ने इंडिया पे आके रूल किया था
और इंडिया पे बहुत तरह के कंट्रीब्यूशंस भी किए थे। ठीक, एनसीईआरटीज में ये चीजें दी हुई हैं, आप आराम से वहां से पढ़ सकते हो, नो इश्यू विद दैट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्टार्टेड द साका एरा एंड व्हेन? साका एरा किसने स्टार्ट किया और कब? स्टेट के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। कदफाइसिस, रुद्रदमन, विक्रमादित्य या कनिष्क? ठीक है, इन चारों में से वो कौन है? आपको पता होगा कि हमारी जो ऑफिशियल कैलेंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऑफिशियल इंडिया पे जो फॉलो की जाती है, वो दो तरह के फॉलो की जाती है। एक तो ये साका एरा वाला कैलेंडर है जहां पे हिंदी पे नाम होते हैं सारे मंथ के, बैसाख, जेठ, ठीक है, भादो, सावन, ये सारे, तो ये साका एरा पे बेस्ड है। और दूसरा है, फॉलो करते हैं हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम नॉर्मली जैन, फेब, मार्च, अप्रैल जो फॉलो करते हैं, ये दो तरह के ऑफिशियल कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, दैट इज साका एरा एंड ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन आंसर। आंसर इज डी, दैट इज कनिष्क इन द 78 AD। कनिष्क द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द कुशांस, मोस्ट फेमस रूलर, बहुत कमाल की कंट्रीब्यूशन है इसकी इंडिया पे, बहुत कमाल की, हर तरह का कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, हर तरह का कंट्रीब्यूशन है इनके। ठीक है, साका एरा कनिष्क ने स्टार्ट किया था 78 AD में, विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था विक्रम एरा 58 BC के अंदर में, विक्रम एरा। ठीक है, विक्रम एरा, उसके बाद साका एरा, उसके बाद फिर गुप्ता एरा भी है, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है साका एरा और ग्रेगोरियन, ये दो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इन्वेडर्स ऑफ एंशियंट इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इन्वेजन्स टू इंडिया। इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, साकास, कुशांस, इन चारों में से क्रोनोलॉजी बनाइए कि पहला कौन आया, फिर दूसरा कौन आया, फिर तीसरा कौन आया, फिर चौथा कौन आया। ऑप्शंस आपके सामने यहां पे है। ठीक है, पोस्ट मौर्यास के टाइम पीरियड पे, पोस्ट मौर्यास के टाइम पीरियड पे क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करिए कि कौन पहला आया, कौन दूसरा आया, कौन तीसरा आया, फिर कौन चौथा आया। इजी क्वेश्चन है बट यहां पर भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, आई नो दैट, बहुत लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं होती हैं, बेसिक होता है लेकिन पता नहीं होता, बट डोंट वरी, कोई बात नहीं। ठीक है, होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, नो इश्यू विद दैट। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज डी, आंसर इज डी, दैट इज 1, 3, 2, 4। इंडो ग्रीक्स पहला, साकास दूसरा, पार्थियंस तीसरा, कुशांस चौथा। इंडो ग्रीक, जिसे हम बैक्ट्रियन ग्रीक भी बोलते हैं, बैक्ट्रियन ग्रीक, वाई बैक्ट्रियन ग्रीक, बिकॉज इंडो ग्रीक्स जब आए थे तो वो अफगानिस्तान वाले एरियाज पे कैप्चर किए थे, और वहां पे एक जगह है बैक्ट्रिया, ठीक है, तो ग्रीक्स वहां जब रहने लगे तो उसे बैक्ट्रियन ग्रीक भी बोला जाने लगा, कि बैक्ट्रिया और ग्रीक, बैक्ट्रिया इज एट प्लेस इन अफगानिस्तान। तो इंडो ग्रीक्स और बैक्ट्रियन ग्रीक्स दोनों सेम है, कहीं पे भी अगर बैक्ट्रियन ग्रीक्स भी आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि उस टाइम पे इंडो ग्रीक्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही वो रीजन आ रही है, अफगानिस्तान वाली भी। ठीक है, पार्थियंस साकास दूसरे थे, उसके बाद पार्थियंस, पार्थियंस साकास भी थे, ये भी सेंट्रल एशिया के नोमैड्स थे, नोमैडिक ट्राइब्स, ये भी नोमैड्स थे सेंट्रल एशिया के। पार्थियंस ये पर्शियंस थे, ये पर्शियंस थे,
ठीक है, ये ज्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे, ये बस पर्शिया और ईरान से जो बॉर्डर वाली एरिया है वहां तक ही पहुंच पाए थे, उसके आगे ये पहुंच नहीं पाए थे। इनका एक इंपॉर्टेंट किंग है, दैट इज गोंदोफर्निस। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पार्थियंस के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए। कुशांस, इन चारों में से सबसे कमाल की कंट्रीब्यूशन कुशांस की है। इसके जो एक इंपॉर्टेंट किंग थे वो रुद्रदमन, जिन्होंने संस्कृत पे इंस्क्रिप्शन, संस्कृत लैंग्वेज पे इंस्क्रिप्शन स्टार्ट करने वाले रुद्रदमन थे, ठीक है, गुजरात वाले रीजन पे वो रूल कर रहे थे। साकास पांच ब्रांचेस में आए थे इंडिया, एक ब्रांच में नहीं, पांच ब्रांचेस में रूल कर रहे थे, कुछ पाकिस्तान पे दो थे, एक गुजरात के अंदर थे, एक सेंट्रल इंडिया के अंदर मालवा वाले रीजन पे उस तरफ थे, ठीक है। तो पांच ब्रांचेस में साकास रूल कर रहे थे इंडिया पे, सबसे लास्ट तक रूल करने वाले वो गुजरात ब्रांच वाले थे, रुद्रदमन वाली जो डायनेस्टी थी। तो इंडो ग्रीस पहला, दूसरा साकास, फिर तीसरा पार्थियन, चौथा कुशांस, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ द कुशान पीरियड? कुशान पीरियड में इन चारों में से कौन सा सही स्टेटमेंट है? इश्यू ऑफ सिल्वर कॉइन्स ऑन लार्ज स्केल, फ्लरिशिंग ऑफ द गांधार आर्ट, पैट्रनेज ऑफ अमर सिंह, एक्सटेंशन ऑफ द एम्पायर अप टू बंगाल, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, बेल आइकन दबाना जरूरी है नोटिफिकेशंस के लिए, और सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, और हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और भी वीडियोस आपके साथ आती रहेंगी, और हम जुड़ते रहेंगे, और आपको कुछ ना कुछ सिखाते जाएंगे, और आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी कराते जाएंगे, ठीक है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, हमारे कोर्सेज के लिंक्स, हमारे टेस्ट सीरीज के लिंक्स, हमारे ये FPCS जो सीरीज चल रही है इसके लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। जो भी चाहे इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कोर्सेज के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, तो आप उस लिंक से विजिट करें, आप डायरेक्टली हमारे पेज पे पहुंच जाएंगे, और वहां से सारे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी, दैट इज फ्लरिशिंग ऑफ गांधार आर्ट। गांधार आर्ट बेसिकली इज अ स्कूल ऑफ स्कल्पचर, जहां पे बुद्धा की स्कल्पचर्स बनते थे, बुद्धा के स्कूल ऑफ स्कल्पचर। इस टाइम पीरियड पे दो स्कूल डेवलप हुआ था, ठीक है, एक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, इस पे फॉरेन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रीक, रोमन्स, पर्शियंस, ये एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं इनके स्कल्पचर्स में। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है, वो सोली इंडिजिनस थी, उसपे सिर्फ इंडियन एलिमेंट्स देखने को मिलता था। इसके अलावा एक और भी स्कूल था, दैट इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। जो भी, तो ये स्कूल्स कौन से रिलीजन से रिलेटेड थे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये स्कूल्स सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड थी, अमरावती स्कूल सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड थी, मथुरा स्कूल जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म तीनों से रिलेटेड थी। किसके टाइम पीरियड में फ्लरिश कर रही थी, जैसे ये कनिष्क के टाइम पे कर रहा था, मथुरा स्कूल भी कनिष्क के टाइम पे कर रहा था, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कौन से मटेरियल्स यूज करते थे, क्या डिफरेंसेस होती थी इनके स्कल्पचर्स में, ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये आर्ट है, स्कल्पचर इज एन आर्ट, तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इशू ऑफ सिल्वर कॉइन्स, हाँ, ये सिल्वर कॉइन्स भी सही है, मतलब हाँ ठीक है, सिल्वर कॉइन्स भी इशू हुआ था, बट यहां पे अगर जो देखेंगे नियरेस्ट पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल आंसर ये बी होगा, ठीक है। पेट्रोनेज ऑफ अमर सिंह, नहीं, ये तो गुप्ता पीरियड में हुआ था, अमर सिंह गुप्ता पीरियड। एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर अप टू बंगाल, नो, इट वॉज नॉट एक्सटेंडेड अप टू बंगाल, बंगाल तक नहीं पहुंचे थे, ठीक है, बंगाल तक नहीं पहुंचे थे, यूपी तक ही, ईस्टर्न यूपी तक ही सीमित था। और
ये स्कूल्स जो मैंने बताया थे आपको, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, इन तीनों स्कूल के अलावा एक चौथा स्कूल भी गुप्ता टाइप पे डेवलप हुआ था, ठीक है, एंड दैट टू वाज ओनली नॉट रिलेटेड टू ओनली बुद्धिज्म बट और भी रिलीजन के बारे में, हिंदुइज्म से भी रिलेटेड थी, ठीक है। वाराणसी स्कूल ऑफ आर्ट ऐसा कुछ, आई एम ट्राई एग्जैक्टली वो नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट गुप्ता टाइम के अंदर में भी एक स्कूल डेवलप हुई थी। सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट, सारनाथ, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी गॉट फॉर टुडे, आज की क्लास के लिए इतना ही है। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन, सेशन को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। हम आपके साथ और वीडियो सारे लेके जुड़े रहेंगे, ठीक है, और भी सीरीज चलती रहेंगी। कल फिर कोई और क्लास, कल मैम की क्लास होगी या सर के, अतुल सर की क्लास, किसी की भी क्लास होगी कल। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड होप कि आप लोग सही हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन वेरी वेल। डू नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस और अच्छे से पढ़ाई करें। So that's all for today. Thank you.